आइए अब हम साम्यावस्था को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बंद पात्र है जिसमें दो अभिकारक ए तथा बी हैं। ये आपस में मिलकर उत्पाद सी तथा डी का निर्माण करते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य जो उत्क्रमणीयता का निशान है वह दर्शाता है कि यह जो रासायनिक प्रक्रम है या प्रक्रिया है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। प्रारंभ में जब हम अभिक्रिया करते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ अभिकारक होते हैं और इसीलिए अभिकारक ए तथा बी की मिलकर उत्पाद बनाने की दर ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर हम कहें कि जो अग्र अभिक्रिया है उसकी दर अधिक होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसके पश्चात यहाँ पर उत्पाद आपस में मिलकर अभिकारक में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में उत्पाद की अभिकारक में परिवर्तित होने की दर कम होती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों अभिक्रियाओं की दर यानी कि अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तित होने की दर तथा उत्पाद के अभिकारक में परिवर्तित होने की दर बराबर हो जाती है और इस स्थिति को ही हम साम्यावस्था कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणी अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर उसकी अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया का वेग आपस में समान हो जाता है उसे हम साम्यावस्था कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कोई भी उत्क्रमणीय प्रक्रम चाहे वह भौतिक प्रक्रम हो अथवा रासायनिक प्रक्रम हो, जब इसके अग्र अभिक्रिया की दर उसके पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को हम उस प्रक्रम की साम्यावस्था कहते हैं। हम इसे दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो कि बंद पात्र में हो रहा है जब उसकी अभिकारकों तथा उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, यहाँ पर हम कहेंगे बराबर नहीं होती हैं, स्थिर हो जाती हैं, उस अवस्था को हम उस प्रक्रम की साम्यावस्था कहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर साम्यावस्था के विषय में जान चुके हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में होने वाली साम्यावस्था के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, या हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं प्रावस्था रूपांतरण में होने वाली साम्यावस्था का अध्ययन करना। भौतिक प्रक्रमों में होने वाले प्रक्रम के अध्ययन के द्वारा हम साम्यावस्था में निकाय में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनके लक्षणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो भौतिक प्रक्रम होते हैं उसमें मुख्य रूप से प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो पदार्थ होती है उसकी तीन प्रावस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम होते हैं वो भी तीन प्रकार के प्राप्त होते हैं, जैसे कि ठोस द्रव प्रावस्था, यानी कि इसमें ठोस का द्रव में तथा द्रव का वापस ठोस में रूपांतरण होने वाला प्रक्रम। इसी तरह से द्रव गैस प्रावस्था भी हो सकती है जिसमें कि द्रव का गैस में परिवर्तन तथा गैस के अणुओं का वापस द्रव में परिवर्तन। इसी प्रकार से एक तीसरी प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम भी हो सकता है जिसमें कि ठोस सीधे ही गैस में परिवर्तित होता है तथा गैस के अणु वापस ठोस में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रावस्था रूपांतरण के तीन प्रक्रम होते हैं और इसमें साम्यावस्था के दौरान या साम्यावस्था के फलस्वरूप निकाय में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं इसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ठोस द्रव साम्यावस्था। ठोस द्रव साम्यावस्था को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटर थर्मस फ्लास्क है। यहाँ पर हम बता दें कि ये जो इंसुलेटर थर्मस फ्लास्क है यह एक विलगित निकाय की तरह है,
यानी कि वह निकाय जिससे ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का ही स्थानांतरण निकाय तथा परिवेश के मध्य नहीं होता है। तो इस तरह का विलगित निकाय हम लेते हैं और इसमें हम जल की एक निश्चित मात्रा ले लेते हैं। साथ ही साथ इसमें अंदर हम एक बर्फ का टुकड़ा जिसका निश्चित द्रव्यमान हो उसे डाल देते हैं। अब इसको डालने के पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं कि समय के साथ ना तो जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है और ना ही बर्फ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है, लेकिन हम ये बता दें कि यहाँ पर जल तथा बर्फ के अणुओं के मध्य निश्चित रूप से नियमित रूप से रासायनिक प्रक्रियाएं या रूपांतरण प्रक्रियाएं होती रहती हैं। यहाँ पर इनके द्रव्यमान में परिवर्तन इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि जो जल है उसके अणु जिस दर से बर्फ में जाकर समाहित होते हैं उसी दर से बर्फ में जो जल के अणु हैं वह उसी दर से जल में आकर वितरित होते रहते हैं और इस प्रकार से जल के बर्फ में परिवर्तन की दर तथा बर्फ के वापस जल में परिवर्तन होने की दर एक समान होती है और इसीलिए हमें पूर्ण रूप से यदि हम देखते हैं या औसत रूप से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दोनों के ही पदार्थ के द्रव्यमान में ना तो बर्फ के ना ही जल के द्रव्यमान में कोई अंतर दिखाई देता है और इसीलिए हमें देखकर लगता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक दोनों के अणुओं के मध्य एक गतिक साम्य होता है और इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये जो प्रक्रम हो रहा है यह एक गतिक साम्यावस्था का उदाहरण है। यहां पर हम देखें कि ये जो साम्य हो रहा है यहां पर हम जो तापमान है वह 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो दाब है वह भी हम निश्चित यानी कि एक वायुमंडलीय दाब रखते हैं और इस अवस्था में ही जो दोनों के द्रव के बर्फ में परिवर्तित होने की दर तथा बर्फ के वापस द्रव में परिवर्तित होने की दर समान होती है और इसीलिए यहाँ पर इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बर्फ और जल एक निश्चित तापमान पर ही साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जहाँ पर बर्फ और जल एक निश्चित तापमान 273 केल्विन तथा एक निश्चित दाब एक वायुमंडलीय दाब पर ही आपस में साम्यावस्था प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से किसी भी शुद्ध पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं एक निश्चित तापमान तथा निश्चित दाब पर ही साम्यावस्था प्रदर्शित करती हैं और इस तापमान को हम उस द्रव का गलनांक या हिमांक कहते हैं। तो इस तरह से हम गलनांक या हिमांक को परिभाषित कर सकते हैं। किसी वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह तापमान जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं उसका मानक गलनांक या मानक हिमांक कहलाता है और इस तरह से हम जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसके लिए उसका हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन होता है तथा उसका जो हिमांक बिंदु होता है वह भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन होता है। तो इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो ठोस द्रव साम्यावस्था होती है उस साम्यावस्था में दोनों ही विपरीत प्रक्रियाएं समान वेग से चलती हैं, यानी कि अग्र अभिक्रिया तथा पश्च अभिक्रिया दोनों ही प्रक्रियाएं समान वेग से चलती हैं। साथ ही साथ दोनों अभिक्रियाओं की जो दर होती है वह भी एक दूसरे के समान होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो द्रव्यमान होते हैं इस जो साम्यावस्था होती है उसमें इनके द्रव्यमान भी स्थिर रहते हैं। तो यह है ठोस द्रव साम्यावस्था। आइए अब हम दूसरे प्रकार के प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम में साम्यावस्था का अध्ययन करते हैं। यह प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम है द्रव वाष्प साम्यावस्था।
इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कांच का बॉक्स है, जिसके एक तरफ यहाँ पर आपको ये जो साइड भुजा दिख रही है, यह वास्तव में मैनोमीटर है। इसमें पारा भरा हुआ है जिसका तल निश्चित है। प्रारंभ में चूंकि ये कांच के बॉक्स में नमी की कुछ मात्रा हो सकती है, इसे दूर करने के लिए हम एक वॉच ग्लास में कोई भी नमी अवशोषक पदार्थ जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ले सकते हैं और कुछ समय के लिए इसमें छोड़ देते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड या फिर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसके अंदर उपस्थित नमी को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। इसके पश्चात इस पेट्रोडिश को हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर अब एक दूसरी पेट्रोडिश में एक निश्चित मात्रा में जल की मात्रा लेकर इस कांच के बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम इस पूरे प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। प्रारंभ में हम देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि जल है और हम जानते हैं कि जल की सतह से वाष्पन की क्रिया होती है, वास्तव में इसे हम उद्वाष्पन कहते हैं या इसे वेपोराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो जल की सतह है उसमें से जल के जो अणु हैं वो बाहर निकलकर इस बॉक्स के ऊपर फैलते हैं, गैस वाष्प अवस्था में जाकर फैलने लगते हैं, जिससे इन वाष्प के अणुओं का इस जल की सतह पर एक दबाव बन जाता है जिसे हम जल वाष्प का दाब कहते हैं। शुरू में हमारे पास जल है और इसलिए जल के वाष्प अवस्था में जाने की गति अधिक होती है और इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे जो बॉक्स है वहाँ पर वाष्प का दाब बढ़ता जाता है और इस दाब के बढ़ने से ये जो दाब है, ये जो बाहर की तरफ मैनोमीटर लगा हुआ है इस पर भी दबाव डालता है, जिससे ये जो पारे का तल है धीरे धीरे दाईं भुजा की ओर बढ़ने लगता है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर जल के अणुओं का जल के वाष्प के रूप में परिवर्तित होना की प्रक्रिया को दर्शाता है। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये जो पारे का तल है वह थोड़ा ऊपर उठकर फिर स्थिर हो जाता है और उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभ में जल के अणुओं का वाष्प प्रवस्था में जाने की दर तीव्र होती है, इसलिए वाष्प दाब बढ़ता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात यहाँ पर जो वाष्प के अणु होते हैं उनकी संघनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और ये यहाँ पर जो कांच का बॉक्स है उसके दीवारों से टकराकर तथा नीचे जल की सतह पर टकराकर ये वापस द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। शुरू में वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है जबकि संघनन की क्रिया कम होती है, धीमी गति से होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे ये दोनों प्रक्रियाओं की दर यानी कि जल के अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की दर तथा वाष्प अवस्था में उपस्थित जल के अणुओं की द्रव अवस्था में आने की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है और इस स्थिति में ये साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ इसीलिए यहाँ पर जो मैनोमीटर है उसमें जो मरकरी का तल है वह स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि साम्यावस्था पर जो जल है वह द्रव अवस्था से जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है। यदि हम अग्र अभिक्रिया को V1 से दर्शाएं तथा पश्च अभिक्रिया को V2 से दर्शाएं तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाते हैं V2 के और इस अवस्था में हम कहेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रक्रम है साम्यावस्था में आ चुका है। साथ ही यहाँ पर हम देखें कि साम्यावस्था में जो जल के अणुओं का वाष्प दाब है वो दिए गए तापमान पर स्थिर होता है और इस वाष्प दाब को हम जल का साम्य दाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि तापमान बढ़ा दिया जाता है तो वाष्प दाब में बढ़ोतरी हो जाती है।
इस प्रकार हम यहाँ पर देख के कह सकते हैं कि बंद पात्र में जल तथा उसकी जलवाष्प दोनों ही एक वायुमंडलीय दाब तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आपस में साम्यावस्था में होते हैं, और इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को हम जल का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। इस प्रकार हम किसी शुद्ध पदार्थ के लिए क्वथनांक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी शुद्ध पदार्थ के लिए एक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर उसकी द्रव अवस्था अपनी वाष्प अवस्था के साथ साम्यावस्था पर होती है उसका क्वथनांक कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, किसी भी शुद्ध पदार्थ के लिए वह तापमान जिस पर उसका वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब या बाह्य वाष्पदाब के बराबर हो जाता है वह तापमान उसका क्वथनांक कहलाता है। हम ये भी बता दें कि किसी भी द्रव का क्वथनांक उसके वायुमंडलीय दाब या बाह्य दाब पर निर्भर करता है। यदि बाह्य दाब अधिक होता है तो किसी भी द्रव का क्वथनांक अधिक हो जाता है, और यदि बाह्य दाब कम होता है तो उस द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। इसी तरह से किसी द्रव का क्वथनांक ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि वायुदाब कम होता है, और इस स्थिति में किसी भी द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, यानी कि वह अपने जो एक वायुमंडली वाले क्वथनांक बिंदु से बहुत कम तापमान पर ही उबलने लगता है। इसी तरह से यदि हम उस द्रव को बहुत अधिक बाह्य दाब वाले क्षेत्र में रख देते हैं तो वह द्रव अपने एक वायुमंडली वाले दाब से बहुत अधिक ताप पर वह उबलता है, इस तरह से उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। हम यह भी देख सकते हैं कि वे द्रव जिनके वाष्प दाब अधिक होते हैं उनके क्वथनांक कम होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जल की तुलना मिथाइल अल्कोहल या एसीटोन या ईथर से करें तो हम जानते हैं कि जल की तुलना में इनके वाष्पदाब अधिक होते हैं, और इसीलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। और यही कारण है कि यदि हम खुले पात्र में इन द्रवों को रखते हैं तो कुछ समय के बाद ये द्रव, क्योंकि इनके वाष्पदाब अधिक होते हैं अतः ये अधिक वाष्पशील होते हैं, और इसीलिए कुछ समय के बाद हमें पात्र में कोई भी द्रव दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये वातावरण में वाष्पित अवस्था में वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, जबकि उसकी तुलना में जो जल है वह धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, क्योंकि जल का वाष्पदाब इन द्रवों के वाष्पदाब की तुलना में कम होता है। इसी तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि जिन द्रवों का वाष्पदाब अधिक होता है उनके क्वथनांक कम होते हैं, और यही कारण है कि ये कम तापमान पर भी वाष्पशील होते हैं, जबकि जो जल है जिसका क्वथनांक अधिक होता है और वाष्पदाब कम होता है यह अधिक तापमान पर वाष्पशील होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से जो द्रव वाष्प साम्यावस्था होती है या जो द्रव वाष्प साम्यावस्था में प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम है उस समय निकाय में कौन कौन से लक्षण होते हैं। इसके बाद हम तीसरी साम्यावस्था का अध्ययन करेंगे, और यह जो प्रावस्था रूपांतरण प्रक्रम है वह है ठोस का गैस में परिवर्तन प्रक्रम। इसके लिए हमें कुछ विशेष पदार्थों की आवश्यकता होती है, ऐसे पदार्थ जो कि ठोस अवस्था से यदि इन्हें ऊष्मा दी जाए तो सीधे ही गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके कुछ कई उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, या आपने घरों में उपयोग किया होगा आप जानते हैं कपूर, जिसे हम जब जलाते हैं तो वह सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हम ले सकते हैं आयोडीन, जो कि एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बंद बॉक्स लिया हुआ है कांच का, और इसमें हम नीचे तली पर ठोस आयोडीन लेते हैं। धीरे धीरे जब इस पात्र को ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ पर जो आयोडीन है वह सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। जैसे जैसे ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है, जो कांच का बॉक्स है
वह बैगनी कलर का दिखने लगता है। शुरू में कलर की तीव्रता कम होती है, लेकिन जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ती है, यहाँ पर जो बैगनी कलर की तीव्रता है वह बढ़ने लगती है, और एक निश्चित समय के पश्चात इस जो बैगनी रंग की तीव्रता है वह स्थायी हो जाती है। शुरू में हम जानते हैं कि जो ठोस आयोडीन है उसकी वाष्प अवस्था में जाने की दर अधिक होती है, इसलिए धीरे धीरे जो रंग की तीव्रता है वह बढ़ती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात यहाँ पर जो वाष्प अवस्था में आयोडीन होती है उसकी वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की दर बढ़ने लगती है, और एक अवस्था ऐसी आती है जबकि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, और इस स्थिति में जो बैगनी रंग की तीव्रता है वह स्थायी हो जाती है। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो ठोस अवस्था है अपनी वाष्प अवस्था के साथ साम्यावस्था में आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार प्रावस्था परिवर्तन में जो साम्यावस्था होती है उसमें निकाय में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद हम कुछ अन्य प्रकार की साम्यावस्था का भी अध्ययन करेंगे। अगला प्रक्रम हम देखने वाले हैं वह है द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहां पर हमने एक कांच का बॉक्स लिया है और इसमें हमने निश्चित मात्रा में जल लिया है। अब इस निश्चित मात्रा में जो जल है उसमें हम चीनी या शक्कर की मात्रा घोलना शुरू करते हैं। प्रारंभ में हम देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो तापमान है वह भी निश्चित रखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ठोस की द्रव में जो विलेयता है वह तापमान के द्वारा प्रभावित होती है, और इसीलिए यहाँ पर हम निश्चित तापमान पर द्रव की निश्चित मात्रा में हम चीनी की मात्रा घोलना प्रारंभ करते हैं। शुरू में हम जैसे जैसे यहाँ पर चीनी डालते हैं वह बड़ी आसानी से जल में विलयित होती जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि चीनी घुलनी बंद हो जाती है और वह इस जो बॉक्स है उसके नीचे तली पर एकत्रित होने लगती है, और इस समय के साथ हम देखते हैं कि जो नीचे तली में एकत्रित चीनी की मात्रा है उसमें किसी भी प्रकार का या उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता, और इस अवस्था में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ठोस या अघुलित चीनी के अणु हैं उसमें तथा जो द्रव में घुलित अवस्था में यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो चीनी के अणु हैं उनके बीच साम्यावस्था स्थापित हो गई है। यहाँ पर हमें जो अघुलित चीनी की मात्रा है उसके द्रव्यमान में परिवर्तन इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर चीनी के अणुओं की जल में जाने की दर तथा जल में उपस्थित जो चीनी के अणु हैं उनके वापस ठोस अवस्था में समाहित हो जाने की दर एक दूसरे के बराबर हो गई है। यहाँ पर हमें चीनी के द्रव्यमान में परिवर्तन दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो परिवर्तन है वह नहीं हो रहा है। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पर अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बिल्कुल बराबर हो गई है। इस यहाँ पर होने वाले जो परिवर्तन है या अणुओं का जो स्थानांतरण है उसे हम रेडियो एक्टिव कार्बन वाले या चीनी का उपयोग करके आसानी से देख सकते हैं। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामान्य चीनी का जो विलयन हमने बनाया है संतृप्त विलयन, उसमें यदि थोड़ी सी मात्रा रेडियो एक्टिव कार्बन वाली चीनी की मिला देते हैं तो कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं जो रेडियो एक्टिव कार्बन वाली जो चीनी के अणु हैं वह हमें उनकी कुछ मात्रा हमें अघुलित अवस्था में भी दिखाई देती है, जबकि कुछ मात्रा हमें जो विलयन फॉर्म है एक्वस फॉर्म है उसमें भी दिखाई देती है, जो स्पष्ट करता है कि यहाँ पर भले ही हमें वास्तविक रूप से या पूर्ण रूप से यहाँ पर क्रिया होती हुई या अणुओं का स्थानांतरण होता हुआ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन वास्तव में यहाँ पर गतिक साम्य है। यहाँ पर ठोस जो चीनी के अणु हैं वह निश्चित गति से या समान मात्रा में वो द्रव की अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि द्रव में अवस्था में जो चीनी के अणु है वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, और इस तरह से ये आपस में एक गतिक साम्य में होते हैं।
इसके बाद जो अगली साम्यावस्था प्रक्रम है वह प्रक्रम है द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य का। इसे हम सोडा वाटर की बोतल का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो सोडा वाटर होता है उसमें जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के द्वारा दबाव के द्वारा घोली जाती है, और चूंकि इसमें दबाव बहुत अधिक होता है गैस का, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह जल में बहुत अधिक मात्रा में घुली हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम इस सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते हैं, चूंकि बाहर जो जल है उसके ऊपर गैस का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है, और इसलिए अब जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी निकलकर बाहर आ जाती है, और इसीलिए तेजी के साथ जो झाग और द्रव होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इसमें उपस्थित साम्य को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने एक द्रव लिया है और इसके ऊपर गैस है, तो यहां पर हम जानते हैं कि किसी भी गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के द्वारा द्रव के तल पर लगाए जाने वाले दाब पर निर्भर करती है। तो जब हम यहाँ पर द्रव के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ पर उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कुछ मात्रा द्रव में घुल जाती है, और इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि द्रव में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जो एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी समय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिवर्तित होने की दर तथा जो गैस में के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्वस फॉर्म में जाने की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है, और इस तरह से यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अब इस साम्यावस्था में यदि हम किसी गैस की द्रव में विलेयता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो द्रव की सतह है उसके ऊपर गैस की मात्रा को बढ़ानी होगी, यानी कि उसके दाब को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम के अनुसार किसी भी गैस की उसकी द्रव में विलेयता गैस की उस द्रव की सतह पर लगाए जाने वाले दाब पर निर्भर करती है, और यही कारण है कि सोडा वाटर में जो हम द्रव लेते हैं उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा उस जो द्रव हमने लिया है सोडा वाटर जो है उसके अंदर लगाए जाने वाला उसकी सतह पर लगने वाला दाब अधिक होता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में या घुली हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम उसकी ढक्कन को वापस खोलते हैं तो वहाँ से जो जो गैस है वो बाहर निकलने लगती है, और इसकी वजह से जो द्रव है उसकी सतह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम हो जाता है, और चूंकि उसका दबाव कम हो जाता है इसलिए जो अब जो साम्यावस्था है वह बाहर की ओर, यानी कि जो द्रव में घुले हुए एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाहर की ओर गैस फॉर्म में जाने की दर बढ़ जाती है, और इस स्थिति में जो घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह भी गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। यदि हम सोडा वाटर की बोतल को खोलकर कुछ समय के लिए छोड़ दें तो हम पाएंगे कि इसमें से पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर वातावरण में चली जाती है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गैस की द्रव में घुलनशीलता की जो साम्यावस्था है वह दाब पर निर्भर करती है, और इस तरह से यदि हमें किसी द्रव में गैस के विलेयता को बढ़ाना है तो हम दाब में वृद्धि करके यह कर सकते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो साम्यावस्था है वह स्थिर ताप पर तथा एक निश्चित दाब पर हमें दिखाई देती है। इन विभिन्न प्रकार के भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था होती है वह निश्चित तापमान पर तथा अधिकतर बंद पात्रों में संपन्न होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो भौतिक साम्यावस्था है वह गतिक होती है, अर्थात इसमें दोनों ही विरोधी या विपरीत प्रक्रियाएं, यानी कि अग्र तथा
स्पर्श प्रक्रियाओं की दर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। साथ ही साथ भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए निकाय तथा परिवेश के बीच किसी भी प्रकार के ऊर्जा के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही जो साम्यावस्था होती है वह विभिन्न प्रक्रमों जैसे कि सांद्रण, ताप तथा दाब आदि पर निर्भर करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो साम्यावस्था के दौरान या साम्यावस्था में विभिन्न जो अभिकर्मक या उत्पाद होते हैं उनके द्रव्यमान स्थिर हो जाते हैं। तो इस तरह से भौतिक प्रक्रमों में होने वाले साम्यावस्था के लक्षण हम समझ गए हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले साम्य के लक्षण। इस प्रकार सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ठोस द्रव साम्यावस्था के लिए वायुमंडलीय दाब पर 1.013 बार दाब एक ही ताप यानी कि गलनांक ऐसा होता है जिस पर दोनों प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। यदि परिवेश से ऊष्मा का विनिमय न हो तो दोनों प्रावस्थाओं के द्रव्यमान स्थिर होते हैं। इसी तरह से वाष्प द्रव साम्यावस्था के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब स्थिर होता है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता के लिए किसी निश्चित ताप पर द्रव में ठोस की विलेयता निश्चित होती है। इसी तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि द्रव में गैस की विलेयता द्रव के ऊपर गैस के दाब अथवा सांद्रता के समानुपाती होती है।